नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल छोटा टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी दबा लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो पहुँचेगा आप तो सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले ऑनर सेवनेस जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमें कमेंट आ रहा है कि ऑनर सेवनेस में ऐप लॉक कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें पहले कि ऐप लॉक जो ऑनर सेवन एस में ऐप लॉक का फीचर नहीं दिया गया है, ऑनर सेवन एस में ऐप लॉक का फीचर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, हम आप सभी के लिए आज एक ऐसा एप्लीकेशन आए जिसका आप यूज़ करके एक अच्छा ऐप लॉक का बेहतर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसका यूज करके फिर हमारे चैनल पर आके वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमको जाना है अपना प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे, उसको ओपन करने के बाद हमको सर्च लिस्ट में लिखना है, सर्च बार में क्या तो पिन जेनी, तो PIN पिन और GAL पिन जेनी, देखिए लॉकर स्क्रीन लॉक एंड ऐप लॉक है। आप जो एक नंबर में दिख रहा है इसको आपको इसको सर्च में फिर ओके कर दीजिए, ऐसे सर्च कर दीजिए तो एक नंबर में आ जाएगा। तो उसे ओके कर दिए, तो देखिए दोस्तों आ चुका है। तो आपको बता दें कि यहाँ पिन जेनी के नाम से बहुत सारे भी हैं और अलग अलग ऐप्स भी, लेकिन हमको पिन जेनी करना है जो एक नंबर में है। तो ये चलिए इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ देखिए 4.6 की रेटिंग है, 7.6 MB का है और 1 मिलियन डाउनलोड प्लस है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हम आपसे बता कि ये ऐप लॉक सबसे अच्छा है, आप लोग इस पिन जेनी को यूज़ कीजिए ऑनर सेवन एस में या कोई भी फ़ोन में यूज कर सकते हैं। इसका यूज कीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा कैसा ऐप्स है, इसको बारीकी से समझिए। तो चलिए, तो दोस्तों हम आपको बोल दें ये पिन जो जेनी है, आप इस लॉकर को कोई नहीं खोल पाएगा, देख भी लिया कोई बगल वाला फिर भी इसे कोई नहीं खोल पाएगा। एक बार आप इसका यूज कीजिए फिर देखिए इसका कमाल, देख के आपको चौक खा जाएगा, आपको एप्लीकेशन को थक जाएगा, खोलने वाला भी थक जाएगा, बोलेगा आप अपना एप्लीकेशन आप खुद रखिए, कोई नहीं खोल पाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी दबा लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो पहुँचेगा आप दोस्तों से पहले। तो दोस्तों जी जरूर कीजिएगा पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसको इंस्टॉल होने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद चलिए हम आगे का इसका प्रोसेस करते हैं पूरा। तो जो भी करेगा उसको हमको पूरा करना है, तो चलिए हम इसको अब ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब इसको हम यहाँ जो भी परमिशन मांगेंगे नेक्स्ट के बाद उसको हमको पूरा करना है। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसको पूरा प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक, इसके बाद हमको अलाउ करना है इसे, फिर भी हमको अलाउ इसे भी करना है लॉकर को, और यहाँ लोकेशन जो भी पिन जेनी मांग रहे हैं इसे भी अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करने के बाद ये देखिए आपको पिन जेनी खुल चुका है। तो अब इसका हम आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आप तीन प्रोसेस है, तो पहले एक नंबर वाले प्रोसेस को पूरा करेंगे और उसके बाद हमें इसे परमिट जो मांग रहा है इसको हम अलाउ कर देंगे यहाँ से। और अलाउ करने के बाद हम फिर से बैक आते हैं और उसके बाद दो नंबर वाले को भी हम अलाउ करेंगे। तो चलिए दो नंबर पर क्लिक करते हैं। दो नंबर पर क्लिक करने के बाद ये जो आता है स्क्रीन पर एक उंगली डाली गई, ये हट जाएगा जो भी ब्लू आ रहा है। उसके बाद हमको तीन नंबर जो पिन जेनी लॉकर दिख रहा है इसको हमको अलाउ करना है। तो चलिए इसे भी हम अलाउ कर देते हैं, जो कह रहा है परमिट करने के लिए तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो चलिए अलाउ कर दिए। उसके बाद हमको तीन नंबर वाला जो दिख रहा है इसे भी हमको अलाउ करना है। तो चलिए तीन नंबर वाले को ओके करते हैं या प्रेस करते हैं, ये खुल जाएगा। इस पर भी एक उंगली रखिए, ये ब्लू वाला जो साइड हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको नीचे से शेयर इट के ऊपर पिन जेनी लॉकर इसको भी हमको अलाउ कर देना है। यहाँ से अलाउ यूज एक्सेस बोला है तो इसे अलाउ कर देते हैं। तो चलिए हम अलाउ, देखिए अलाउ करने के बाद खुद भी ये स्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ लॉक लग चुका है लेकिन ये लॉक लगा नहीं, चलिए इसको हम स्लाइड करके इसको हटा देते हैं। आए की ओर स्लाइड मांग रहा है तो हट गया। इसको नोट नंबर दे दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये नया फीचर है। उसके बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ सेट नाउ पर क्लिक करने से पहले आप कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद हमको वॉलपेपर आ रहा है, तो अपने वॉलपेपर अपने हिसाब से चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसमें से कोई एक अच्छा सा वॉलपेपर हम चूज कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप उपयोग कर सकते हैं। हम चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ सेट लॉक स्क्रीन है और होम स्क्रीन है, तो हम अपना जो भी है लॉक स्क्रीन पर या होम स्क्रीन पर कहीं भी सेट कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पर कर सकते हैं। नोट नाउ नहीं दीजिए, इसको फीडबैक दीजिए नहीं दीजिए। तो चलिए उसको हम एक देम चूज कर लेते हैं, आपको जो भी देम अच्छा लगे भी आप चेक कर चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने हिसाब से इसे भी अपना
जो भी अच्छा लगे हम कर लेते हैं, और आपको जो अच्छा लगे अपना चूज कर लीजिए इसमें से। चलिए ऊपर अब देख लेते हैं थोड़ा, और कुछ और अच्छा हो तो चलिए देखते हैं। हमें कोई पसंद नहीं आ रहा, चलिए आपको हमको अच्छा जो लग रहा है, हमें दो नंबर वाला अच्छा लग रहा है, तो चलिए ऊपर से ही हम दो नंबर वाले को हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ हम डाउन का ऑप्शन आएगा, तो हम डाउन कर लेंगे, डाउन हो जाएगा ये। उसके बाद हमको लोकल में जो भी करना है कीजिए। तो चलिए हम फिर से यहाँ लॉक लगा के आपको बताना है। देखिए लॉक लगाने के बाद चलिए हम उसको, हम लॉक लगाना ही है, लॉक लगाना ही है, तो चलिए हम आप उसको सिक्योरिटी सेट करेंगे। तो चलिए ऊपर जो सिक्योरिटी देख रहा है इसको सेट नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर आप तो आपको बता दें कि पिन यहाँ देखिए पहले पुराने वाला जो भी यहाँ स्वाइप का ऑप्शन आता था पहले हटा दीजिए, उसके बाद पैटर्न था, उसके बाद HRR का पिन डालिए, तो ये सब कुछ नया पुराना था, अब नया कुछ करते हैं, इसमें कुछ नया दिया गया है। तो देखिए ऊपर में दो दिख रहा है, एक तो है शुभ ऑप्शन है 4 अंक का, और एक में फिंगरप्रिंट की जैसा है, तो हम फिंगरप्रिंट वाला ओके करेंगे ताकि उसमें और बेहद अच्छा लगे। तो चलिए हम उसको ओके करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें कुछ फेवरेट टीचर है, चाइल्डहुड निक नेम है, इसमें बहुत सारे हैं जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट नेम कुछ भी है आपको जो इसमें से अच्छा लगता है आप उसको ओके करके इसमें डाल दीजिए वो नेम। और याद रहे ये नाम जो आप डाल रहे हैं या कुछ भी जो इसमें से डाल रहे हैं वो आपको कब ये काम करेगा, जब आप ये पैटर्न भूल जाइएगा, नहीं खोल पाइएगा, जब इसको फॉरगेट का ऑप्शन आएगा तो ये आपका नाम मांगेगा, आप इसको देने के बाद ही ये खुलेगा। तो चलिए आप इसमें चाइल्डहुड निकनेम दे देते हैं, उसके बाद हम आके इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यह 4 नंबर का आपको पिन मांगेगा, और यही पिन आपको याद रखना है, ये पिन आपको बहुत कमाल करेगा अभी, तो इसको बारीकी से देखिएगा। तो चलिए हम इसको चूज कर लेते हैं 3, 4 और 7, 2 ये हम चूज कर लेते हैं, और ये हम याद रखना है। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये होने के बाद तो नेक्स्ट पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ देखिए स्टार्ट सेटिंग है, तो इसको हम स्टार्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तब ये सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट सेटिंग है, अब यहाँ पर जो भी पिन डाली, यहाँ देखिए 7, 7 दो यहाँ दिख रहा है, 3 1 में है, 4 नंबर वाले में 2 वहाँ है, 4 यहाँ, याद है आपको 3, 4, तो 3 यहाँ, चलिए हम 3 यहाँ प्रेस करेंगे, 4 ऊपर प्रेस करेंगे, 7 यहाँ प्रेस करेंगे, 2 ऊपर प्रेस करेंगे। लेकिन आपको अगर एक ही में तो आप एक ही में प्रेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए 7 इसी में है, 3 इसमें है, 4 ऊपर है, 7 नीचे है, फिर इसमें दे देते हैं, इसमें कोई भी क्लिक कर लीजिए 7 दोनों में से, तो हम इसमें क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद 2 है, तो इसमें 7 किए, उसमें 2 कर लिए, तो अलग अलग हो गया। यहाँ उसके बाद आपको एक जीमेल आईडी मांगेगा, देखिए हम 3, 4, 7, 2 चूज किए हैं, आपको ऊपर नंबर दे दिया, पासवर्ड, और यहाँ आपको एक जीमेल एड्रेस करना है, जीमेल आपको देना है, ताकि जो भी फिर फॉरगेट माना हो तो जीमेल पर भी आ सकता है। तो चलिए हम अपना एक जीमेल एड्रेस में एंटर कर देते हैं, जो भी जीमेल एड्रेस है, तो चलिए हम अपना जीमेल एड्रेस एंटर करते हैं। जीमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ डन पर क्लिक करना है, ताकि आगे जो भी प्रोसेस उसको हम पूरा करेंगे, सेट डन पर क्लिक करेंगे, ये आपको लॉक लग चुका है। तो चलिए यहाँ हो चुका है, तो चलिए हम आपको इसको अब आपको बताएंगे आगे। तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं, और इसको हम ओके कर लेते हैं। चलिए हम फिर आपको बताते हैं लॉक इसमें जो भी है एंटर, आपको पासवर्ड कैसे लगाना है, तो किस पीस फाइल में लगाना है, तो स्क्रीन पर लग चुका है। हम देखिए यहाँ एग्री करना है, तो ब्लू टिक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, और एग्री करने के बाद यहाँ भी फिर वही पासवर्ड हमको जनरेट करना है जो आपने वहाँ दिया था। अब इसमें हम ऐप लॉक लगाएंगे, जैसे जो जो एप्लीकेशन को हमको हाइड जो लॉक लगाना है, उस एप्लीकेशन को यहाँ से हम फिर से पासवर्ड डाल के उसको हम यहाँ से अलाउ करेंगे, ताकि उस एप्लीकेशन को खोलते समय आपको पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए 3 इसमें है, 3 यहाँ, 3 इसमें 3, ऊपर 4 है, उसी में 7 है, बगल में फिर 2 है, तो वही पासवर्ड देने के बाद यहाँ खुल चुका है। आप जिस एप्लीकेशन को रखना चाहते हो उसे आप रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्रोमो को रख के बता देंगे आपको, तो क्रोमो को रख दिए। उसके बाद चलिए हम आपको बता रहे हैं कॉन्टैक्ट को रखते हैं, तो कॉन्टैक्ट को यहाँ ब्लू टिक कर दिए, उसके बाद कैमरा को कर दिए। तो चलिए हम यही तीनों के आप करके फिर से हम लॉक और ऐप लॉक को फिर हम खोल के दिखाएंगे। तो चलिए हम बैक हो जाते हैं फिर से, और इसको अनलॉक कर देते हैं। तो चलिए बैक हो गए, अब यहाँ देखिए हम आपको कॉन्टैक्ट को करके दिखाते हैं। देखिए खोल लें, जैसे आपको मांग लिया यहाँ पासवर्ड मांग लिया, तो क्या देंगे आपको 3, 4 एक में दिख रहा है, 7, 2 भी एक में दिख रहा है, तो ये दो बार उसको क्लिक करेंगे, 3 फिर उसको 4 और फिर नीचे 7,
जिसमें, और फिर इसी में टू है तो फिर इसी में टू फिर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये पासवर्ड सिर्फ आपको याद है, चार अंक किस में है, दूसरा को तो नहीं याद है, देखिए कॉन्टैक्ट खुल गया। चलिए हम बैक हो जाते हैं और फिर से आपको हम क्रोमो या कैमरा करके दिखा देते हैं आपको। चलिए तो यहाँ भी मांग रही है, देखिए यहाँ 3-4 इसमें है, 3-4 और 7-2 एक में है और 7 उधर भी है, तो आप 7 वहाँ कीजिए और 2 इसमें है। सिर्फ आपको वो नंबर याद रखना चाहिए, प्रेस कर दीजिए कोई भी अंक, लेकिन वो नंबर आपको 4 अंक का याद रखना चाहिए। तो चलिए अभी खुल चुका है, तो चलिए हम आगे का प्रोसेस बताएंगे इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, ऐप लॉक लगाने के बाद जब हटाने का मन करे तो कैसे हटाएंगे, तो चलिए वो भी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों उसको हम हराने के लिए पहले फिर से हम इसको पिन जेनी को ओपन करेंगे। तो चलिए फिर से हम इसको पिन जेनी को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ सिक्योरिटी दिख रहा है और यहाँ नीचे चेंज पासवर्ड है, आप चेंज पासवर्ड का भी हम बता देंगे आगे, इसका प्रोसेस हम बस अंतिम में ही, और इसका लॉक स्क्रीन एंड ऐप है। तो चलिए हम इसके ऊपर फिर ओके करते हैं, फिर से क्या करते हैं वो जो ऐप एप्लीकेशन जो अपने आपने लॉक किया था उसको हराने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ देखिए 3-4 इसमें दिख रहा है एक नंबर वाला में, और 8 है, और दो नंबर में 3-6-9 है, उसके बाद तीन नंबर में 5-2-0 है, 5-1-7 है। तो चलिए हम एक नंबर या दो नंबर वाले, दो नंबर में 3-4 याद है, 7-2, चलिए हम 3 यहाँ क्लिक करते हैं, 4 एक नंबर वाले क्लिक करते हैं, और 7 यहाँ फोर्थ वाला में क्लिक करते हैं, और 2 इसमें, हम 3-4 इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए उसके बाद खुल गया ऑटोमेटिक। अब उसको हम हटाएंगे, कैसे हटाते हैं, और चाहेंगे तो हमको स्क्रीन लॉक अगर हटाना है तो यहाँ से हम स्क्रीन लॉक यहाँ करके डन कर देंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद हमको क्रोमो हटाना है तो यहाँ से क्रोमो हटा देंगे, अब जिसको हटाना है उसको हटा सकते हैं, स्क्रीन लॉक छोड़ना है तो उसको भी छोड़ सकते हैं, आपको ऐप रखना है तो उसको हटा सकते हैं, और एप्लीकेशन को रख सकते हैं तो इसको भी हटाना था हमको। तो चलिए सबको हट जा चुके थे हम पहले ही, सिर्फ क्रोमो के रखे हुए थे, कैमरा वैमरा हटा दिए थे। तो चलिए अब इसको हम बैक कर लेते हैं, तो ये हट चुका है, हमको बता रहे हैं आपको बैक कर लिए, नॉमिनाइज कर लीजिए 20 से। तो देखिए आपको हम अभी क्या हटाए थे, आपको क्रोमो हटाए थे, तो चलिए देखिए क्रोमो पर क्लिक करते हैं, ये डायरेक्ट क्रोमो खुल चुका है, तो आप समझ गए। तो चलिए हम चेंज पासवर्ड करके आपको दिखाते हैं, तो फिर से हम इसको ओपन करते हैं और बीच से ही, और यहाँ देखिए चेंज पासवर्ड आपको दिख रहा है, जो भी आप फिर से जाइए और चेंज पासवर्ड दिख रहा है तो यहाँ आपको क्लिक करना है चेंज पासवर्ड में, 3-4-7-2 आपको याद है, तो चलिए हम 3 इसमें क्लिक कर लेते हैं, 4 इसमें क्लिक कर लेते हैं, और 7 फिर इसमें है, और 2 यहाँ, सिर्फ आपको नंबर याद रखना है, आपको उसे कोई बगल वाला देख ले कुछ नहीं हो सकता है उससे, बेचारा थक जाएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो यहाँ 2 टिपते हैं फिर, तो ये खुल चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, चेंज पासवर्ड करना है, तो फिर से हम वही दो नंबर वाला में क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर एक नया पासवर्ड हम देंगे। तो चलिए हम दे देते हैं, तो चलिए हम नया पासवर्ड देते हैं, तो 9783। उसके बाद हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से हमको वही मांगेगा, तो 97 देंगे और 83। तो देखिए फिर से आपको जीमेल एड्रेस वही मांगेगा, हमने यहाँ चूज किए थे 9783, तो यहाँ जीमेल एड्रेस पर हम दे चुके हैं, तो फिर से आ गया, और यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे जो भी होगा। तो देखिए अब ये हो चुका है, हमको आपको फिर से हम बता रहे हैं कि कैसे आपको ये, तो अब ये तो हम चेंज पासवर्ड हो चुका है, तो हम फिर आपको यहाँ लॉक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ कहा था हमने 97 और 8 इसी में, 3 भी इसी में, तो इसी में क्लिक कर देते हैं, तो खुल गया। तो कुछ था नहीं तो हम कैसे बता देते हैं, तो चलिए हम फिर से हम यहाँ क्रोमो आपको रख देते हैं, यहाँ क्रोमो रख दिए, कॉन्टैक्ट रख दिए, तो चलिए हम फिर से बैक हो जाते हैं, फिर नॉमिनाइज कर देते हैं, और यहाँ कॉन्टैक्ट और क्रोमो रखें, तो चलिए फिर से हम कॉन्टैक्ट खोलते हैं। तो ये देखिए अब हम तो पिन बदल चुके हैं पासवर्ड, चलिए हम पासवर्ड वही अभी वाला, तो 9 7 और 8 और 3, देखिए खुल चुका है। उसके बाद हम फिर से बैक आते हैं, उसके बाद हमको क्रोमो करके दिखा रहे, हम देख ही देते हैं आपको, क्रोमो आ गया, तो 9 7 और 8 3 ये भी खुल चुका है। तो चलिए दोस्तों अगर हो सके तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।